ज़्यादा तैयार होकर इतना ओपन एयर में नहीं बैठ सकता, मज़ा नहीं आता, बगवाट लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा बड़ा अचानक से प्लान हुआ कि किसी नई जगह को ट्राई करते हैं, तो हमने डिसाइड किया फाइनली कि हम रेस्टो जाते हैं। वहाँ के फूड की बड़ी तारीफ सुनी थी, एम्बियांस काफ़ी पीसफुल है, ये सब सुना हुआ था। हमने कहा चलो लेट्स ट्राई, और यहाँ के एम्बियांस हर चीज़ के बारे में फ़ीडबैक आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, एम्बियांस दिखाती हूँ यहाँ का। ये देखें ओपन एयर में, ओपन एयर है यहाँ पर, और इस मौसम में ओपन एयर कितना अच्छा लगता है, और थोड़ा सा गर्मियाँ हो जाए तो ओपन एयर की वाट लग जाती है। अगर हम गर्मियों में जैसे ओपन एयर वगैरह हैं, बेशक फ्रेश होती है, लेकिन ज़रूरत होती है हमें इंडोर यानी कि एयर कंडीशन वाली जगह की। बंदा तैयार होकर इतना ओपन एयर में नहीं बैठ सकता, मज़ा नहीं आता, मगर विंटर में आप ओपन एयर में ईजिली आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। जब फूड आएगा फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा फूड था। जस्ट वेट एंड वॉच। अब हम इंतजार कर रहे हैं अपने खाने का, तो आज मजा आ रहा है वैसे कुछ रहा नहीं। आज हमारा अचानक वाला ये प्लान बना, कोई ऐसा हमारा हफ्तों या दिनों से प्लानिंग नहीं थी। हमने कहा चलो सडन प्लान, बच्चों का वीकेंड था तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा बच्चे भी, अभी क्योंकि एग्जाम्स अब नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे तो ज़रा बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी और बच्चे इन्जॉय करेंगे। सब बच्चा पार्टी आ गई है यहाँ पर हमारे साथ। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो है किसी हाइटी का हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको किसी नई जगह की हाइटी का जो है वो रिव्यू देंगे। अगर आप लोग किसी जगह के बारे में हमसे रिव्यू लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह पर चाहते हैं कि हम जाएं और वहाँ के फूड वगैरह का, एम्बियांस का आपको रिव्यू शेयर करें। फाइनली खाना सर्व हो चुका था, हमने शाही कढ़ाई और पेशावरी कढ़ाई दोनों इंतहाई मज़े की कढ़ाई थी, और हमने उसके साथ पराठे और नान ऑर्डर किए थे, एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटर था दैट वाज बारबेक्यू प्लेटर, और इंतहाई मज़ेदार प्लेटर था नो डाउट। हमने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया यहाँ का खाना। इस प्लेटर की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये हमने बेक्ड प्लेटर करवाया था, दो तीन ऑप्शंस थे बट हमने कहा हम बेक्ड प्लेटर आज जो है वो ट्राई करेंगे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने शाही कढ़ाई और एक पेशावरी ना पेशावरी कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी, दोनों कढ़ाइयाँ लाजवाब। मसाला उनसे कहा था कि ग्रेवी ज़्यादा रखें, वो भी बेहतरीन रखा, और हमने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था। ये कश्मीरी चाय है और ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री सर्व हुई है, एंड इट्स रियली रियली यम। सो फाइनली हमारा डे एंड हो चुका है, डिनर इंतहाई मज़ेदार था। यहाँ पर आकर आप डिनर और अपनी गैदरिंग्स को ज़रूर इन्जॉय करें, और जो एंड में हमने कश्मीरी चाय पी है दैट वॉज रियली रियली ऑसम। तो रेस्टो का जो फीडबैक है दैट इज़ टोटली पॉजिटिव, आइएगा ज़रूर।